सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज़ चैनल को और सबसे पहले न्यूज़ पाने के लिए घंटी को जरूर दबाएं। ये बिल्कुल MG 360M MPV को दिल्ली में चल रहे ऑटो एक्सपो 2020 में पेश कर दिया गया है। भारत में ये कंपनी की पहली MPV कार है। MPV 360M मारुति अर्टिगा और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को टक्कर दे सकती है। इस कार का डिज़ाइन MG की अन्य कारों से काफ़ी मिलता जुलता है। कार में कंपनी का आइकॉनिक हनीकॉम ग्रिल दिया गया है, जिसके चारों ओर क्रोम लाइनिंग भी दी गई है, जो कि इस कार को एक शानदार लुक प्रदान करवाने में मदद करती है। जानकारी के अनुसार ये एक 7 सीटर वाली MPV कार है, जिसमें 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं और मारुति अर्टिगा से थोड़ी लंबी है। हालांकि कंपनी ने ज़्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन खबर है कि MPV के इंटीरियर में कई प्रीमियम फीचर्स मिल सकते हैं। MG 360M में हेक्टर का 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 140 bhp का पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पादन करता है। इस इंजन में विकल्प के तौर पर 50 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी दिया गया है। MG 360M 6-स्पीड मैनुअल के साथ साथ 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मॉडल में भी उपलब्ध होगी। उम्मीद है कि MPV को 2 लीटर डीजल इंजन वेरिएंट में भी उतारा जा सकता है। अगर हम बात करें इस कार की लॉन्चिंग डेट की, तो इसे कम से कम सितंबर के बाद ही त्योहारी सीजन पर लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। अभी इसकी कीमत के बारे में कुछ नहीं पता चल पाया है दोस्तों, पर अगर हम उम्मीद लगाएं तो इसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपये एक्स शोरूम शुरू होगी, जो कि टॉप मॉडल 8 लाख रुपये तक जाने की संभावना है। ये कार आम आदमी के बजट में फिट हो सकती है दोस्तों। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, आपको ये कार कैसी लगी, क्या आप इसको लॉन्च होते ही खरीदना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बिना लाइक करे इस वीडियो को मत जाएगा। आज के वीडियो का टारगेट रखते हैं 800 लाइक का। जल्दी से 800 लाइक के टारगेट को पूरा करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके आम आदमी तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।